तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 10% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 19.40 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 22, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 24, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 27, देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 30 और 32-35 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 17.85 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 16.30 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 14.40 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।